अस्सलामुअलैकुम। केपीओ मन डेवलपमेंट की जानिब से डॉक्टर होमी बाबा स्कूल नंबर 105 जमात 2 उर्दू में ये सबक नंबर 11 है, नन्ही परी। बच्चों, आप छोटे हैं तो आप लोगों ने काफ़ी परियों की कहानी सुनी होगी, ठीक है। तो आज हम ये नन्ही परी पर सबक शुरू कर दें, ठीक है। मुद्दत गुजरे किसी जंगल में एक नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी। मुद्दत गुजरे यानी कि काफ़ी वक्त गुजर गया, ज़्यादातर जो वक्त होता है वो। और जंगल में नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी यानी घूम रही थी। वो बहुत ही छोटी परी थी, जो परी घास पर टहल रही थी। वो कैसी थी? छोटी परी। आज पहली मर्तबा उसने चलना फिरने का मौका मिला था, यानी कि परी को चलने फिरने का पहला मौका मिला। यही वजह से कि वो अच्छी बुरी परियों में तमीज़ ना कर सकती थी, ठीक है बच्चा। उसने काले काले बरसने वाले बादल भी देखे ही ना थे। बच्चों, ये जो परी थी नन्ही सी, उसने क्या नहीं देखा था? काले काले बरसने वाले बादल उसने देखे ही ना थे। ना कभी मैना बरसते देखा था। जब काली घटा गिर कर आई तो नन्ही परी सहम सी गई। बच्चों, जब काली घटा आसमान में आई तो वो सहम सी गई। अब मनिहा की बूंदे पड़ने लगी, परी घबरा कर चिल्लाने लगी। तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, मेरे पास से दूर रहो। अब बारिश से खतरे ना थे, पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गिरने लगे। नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। बच्चों, किसी भी चीज़ पर पानी गिरता है तो वो भारी हो जाती है। अब वो उड़ ना सकती थी, कौन परी? वो रोने लगी। पास ही एक बूढ़ी परी रहती थी, उसका काम ये था कि भूली भटकी परियों की मदद करती थी। जो भाई बूढ़ी परी थी ना, वो जो परियां भटक जाती थी उनकी मदद करती थी। वो परियों को लिखना पढ़ना भी सिखाती थी, इसलिए परिस्थान में बूढ़ी परी को सब परियां उस्तानी परी कहती थी और उसकी इज्जत करती थी। बूढ़ी परी नन्ही परी के पास आई और बोली, प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पर भी खुश्क हो जाएंगे। बेटी, मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है, तुम गौर से देखो, आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। नन्ही परी ने अपनी मुन्नी से आंखें झाड़ झाड़ कर देखा तो आसमान पर उसे धनक दिखाई दी। आसमान से परी को क्या दिखाई दी?
धनक। धनक देखकर नन्ही परी बोली, दादी देखो तो ऐसा अच्छा झूला है। जी चाहता है कि यहाँ से उड़कर उस झूले में खूब झूलूं। ये जो बारिश के कतरे हैं जल्दी बूंदे हो जाए तो मैं दौड़ती कूदती फानती भागती चली जाऊं। भाई जो वो बूढ़ी परी है वो उसे एक आसमान में झूला दिखाई देती है कि भाई देखो मेरी आंखें कमज़ोर, आसमान में जो कुछ दिखाई देता है। तो नन्ही परी को एक रंगीला झूला नज़र आता है और नन्ही परी अपनी उन्हीं से आंखें फाड़ फाड़ कर देखती और आसमान पर सच में धनक दिखाई देता है। तो धनक देखकर नन्ही परी बोली कि दादी कितना अच्छा झूला है, मुझे तो वहाँ जाकर झूलना है। बूढ़ी परी ने नन्ही परी के जब ये बातें सुनी तो पहले तो ज़रा मुस्कुराई, फिर बोली, बेटी धनक और बारिश को तुम अलग अलग नहीं कर सकती। ठीक है, बारिश के मौसम में ही धनक दिखता है बच्चों। तो वो बूढ़ी परी बोलती है, उसे अलग हम नहीं कर सकते, उन्हें कतरों ही से तो धनक बनती है। जो कतरे होते हैं बारिश की बूंद के, उससे ही वो रंगीला धनक बनता है, वो उसे समझाती है। बूढ़ी परी ने नन्ही परी को एक जगह घास पर से बारिश के कतरे उठाकर दिखाए। वाकई उन्हें सूरज के सामने रखने से तरह तरह के रंग दिखाई देते थे। बच्चों वो जो बारिश का कतरा एक उठाती है वो और सूरज के सामने रखती है तो वो कतरा तरह तरह के रंग बनते दिखाई देते हैं। उस दिन से नन्ही परी बूढ़ी परी के पास आती थी और पढ़ना लिखना सीखती थी। बच्चों वो जो वाकई में धनक की बात बताई उसके बाद से वो परी बूढ़ी परी के पास आते जाते रहती, पढ़ना लिखना सीखती। ठीक है, थोड़े दिन में उसने इतनी बातें सीख ली कि तमाम परिस्थान में उस नन्ही परी के बराबर कोई न जानता था। तमाम परियां उससे मशवरा करते। कुछ दिनों के बाद क्या होता पता है बच्चों? वो पूरे परिस्थान की मलिका बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सबक समझ में आया। अब हम इसकी कुछ जो चांद पर परियां रहती हैं वो मैं आपको गाकर सुनाऊंगी। चांद में परियां रहती है, अम्मा बाजी कहती है, चांद में परियां रहती है। बच्चों दादी अम्मी जब हम छोटे थे ना तो परियों की, फिर वो एक सैंड्रिला नाम की लड़की होती है उसकी कहानियां हमें सुनाते थे, फिर अकबर बीरबल की। वैसे ही अम्मा ये चांद की बात बताते हुए जैसे चांद में परियां रहती हैं ऐसा ये गीत सुनाते हैं। अम्मा बाजी कहती है चांद में परियां रहती है, रात को पर फैलाती है और उतर कर आती है। रात में वो ज़मीन पर आती है और अपने जो पीछे पंख होते हैं वो फैलाकर उतरती है, सब बच्चों को सुलाती है और फिर ख्वाब दिखाती है। सारे बच्चों को परियां पसंद है। ठीक है, तो वो बच्चों को क्या करती है, खेल लगाते हुए सुलाती है और ख्वाब दिखाती है। ख्वाब यानी कि जो हम नींद में देखते हैं, है ना बच्चों। अम्मा बाजी कहती है चांद में परियां रहती है, मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा।
अब यहाँ क्या बात है भाई कि मैं तो सोने वाला ही नहीं हूँ, पूरी रात जागने वाला हूँ। बाहर बाग में बैठूंगा, चांद की परियां देखूंगा। मुझे तो आज रात को बाहर बाग में बगीचे में बैठना है और चांद की परियों को देखना है। अम्मा बाजी कहती है चांद में परियां रहती है। चलो बच्चों, अब हम इसके सवालों के जवाब